श्री सीताराम सेवा समिति को एक बार ताली बजाकर धन्यवाद दो, इतना भव्य आयोजन उन्होंने करवाया। और हमारे मुख्य यजमान जी कहाँ गए, गायब हैं क्या, थे तो यहीं, सांसद जी कहाँ गए, हाँ बैठे हैं, कौन है, एकांत में ही रहते हैं सांसद जी, सेवा में रहते हैं, आपकी जय हो। एक बार इनको भी ताली बजाकर धन्यवाद दो, इतना बड़ा आयोजन, खूब मेहनत करी, बरसात में दिक्कत, इतना बढ़िया टेंट, व्यवस्थित व्यवस्था, और आज तो एकदम सामने तक एकदम 3 किलोमीटर से जाम लगा, लेकिन किसी को भी दिक्कत नहीं हो रही है, ये अद्भुत व्यवस्था परभणी में है। सीताराम दोनों खुश रहो, कहां से आना हुआ, हो यहां क्या कर रहे हो, हाँ ये घर से हैं क्या, लेकिन लगातार जारी पूरी करना 21। पेशी तो धाम पर चढ़ती, तो पूछ लो कोई बात, तुम्हारा यश भी चला गया, परिवार भी पीछे लगा है, धन की भी दिक्कत बनी हुई है, कोई साथ भी नहीं दे रहा, ठीक है हाँ, और स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता, बहुत ज़्यादा इनके शरीर में दिक्कत होती है, पूरे शरीर में इनको जकड़न बनती है, तनाव बहुत ज़्यादा है, पीछे की तरफ बहुत दर्द बना हुआ है, पूरे में जो है जकड़न बना देता है, नकारात्मक ऊर्जा बहुत सता रही है, और आर्थिक तंगी भी बनी हुई है, कर्जा की स्थिति भी बन गई है, काम भी नहीं चल रहा है, वर्तमान में बंद पड़ गया है, ऐसी अर्जियां लेकर आप आए हो। अच्छा आप तो मिल चुके ना, ओके कहाँ पर, ठीक जी जी, जो डॉक्टर मार्ग में, अभी आप उनके साथ ही करो, दिया तो धोखा ही है, आपको इग्नोर कर दिया है, ठीक है, आपके साथ छल कर दिया है उन्होंने, हमने जो डिटेल, अब आपके घर के ही हैं, लेकिन जाओ तुम्हारा काम हम शुरू करवा देंगे, आशीर्वाद है। उनको मिल जाए, जाओ आशीर्वाद, पक्का पक्का जाओ, खुश, आप तो पहली बार दरबार में आए ना, ठीक है जाओ बहना, आशीर्वाद, आप निरोगी रहें, हम झाड़ा थोड़ी देर में लगा देते, उठ जाओ। अगला नंबर राम, अरे साधु जी, ओ बालाजी, दूर से प्रणाम बेटा, हमारा नियम है दूर से प्रणाम कर दो, हाँ धाम पर सदा जय हो, पगला मेरी बहना, खुश रहो खुश रहो, नहीं नहीं हमारा नहीं है, हमारा जब मन करता तब हम सिर पे हाथ रखते, ऐसे कहने से तो नहीं रखते हम,